दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान अक्सर ये रोना रोता है कि भारत जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह नहीं करता या करना चाहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ही जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम को लेकर झूठ फैला रहा है और वो जानबूझकर भारत को इस पर बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। पहली बात कि पीएम नेहरू की एक गलती से इसकी नौबत आ गई, और अगर ये होना भी हो तो इसके लिए पाकिस्तान को यूएन की एक रेजोल्यूशन 47 की कुछ बातों को मानना होगा जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह को लेकर पास हुई एक रेजोल्यूशन 47 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब उसके ठीक बाद पाकिस्तानी आर्मी और कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और इस डर से जम्मू कश्मीर के तब के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी को आने की अनुमति दे दी। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी आर्मी महाराजा के इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने से पहले ही जम्मू कश्मीर में घुस चुकी थी, इसलिए तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर की जनता के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव रख डाला, और जल्द ही पीएम नेहरू ने रेडियो पर इसकी घोषणा कर दी जिसकी कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, और पीएम नेहरू की इस गलती ने भारत को इतना बड़ा नासूर दे दिया। ये मामला यूएन में गया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को रिजोल्यूशन 47 पास किया। इस रिजोल्यूशन 47 में भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करने से पहले कुछ नियम बताए। इस रिजोल्यूशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करने से पहले दोनों देशों को कुछ बातों को मानना था, और वो भी सीक्वेंशियली, मतलब एक के पूरा होने पर ही दूसरी। ये थी, नंबर एक, पाकिस्तान को अपनी आर्मी और ट्राइबल लोगों को पीओके के चप्पे चप्पे से हटाना होगा, और ऐसा करने के बाद यूएन की एक टीम आकर इसका जायज़ा लेगी। नंबर दो, इंडिया को भी अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर से कम करनी होगी और सिर्फ इतनी रखनी होगी जितना कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो, और ऐसा दोनों देशों का करने पर फिर जब इंडिया कंफर्टेबल हो तब वो जनमत संग्रह करा सकता था। ऐसा रिजोल्यूशन 47 में कहा गया। अब इस जनमत संग्रह की बात को लेकर पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता है, लेकिन क्या वो इसके पहले पॉइंट को मानकर पीओके से अपनी आर्मी और कबालियों को हटाएगा? ये रेजोल्यूशन 47 1948 में पास हुई थी, लेकिन उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर पीओके का एक भाग चाइना को दे दिया था। क्या वो चाइना से इसे वापस मांग सकता है या ज़बरदस्ती ले सकता है? क्योंकि रेजोल्यूशन 47 पास होते वक्त वो गिफ्ट किया हुआ भाग पीओके में ही था। इतना सब जानते हुए भी पाकिस्तान अपना झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ताकि उन तक भी ये इन्फो पहुँच सके।